हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल सेशन। इस सेशन के अंदर हम राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सो लास्ट सेशन वी कंप्लीटेड हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल, अब इस बार हम ले रहे हैं राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल। सॉल्व एग्जांपल में एक न्यूमेरिकल अवेलेबल है एंड एंड एक्सरसाइज में 3। राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट इस हिसाब से बिकॉज बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। एक स्टेप की एक वैल्यू गलत तो वही वैल्यू आपको नीचे रखनी है तो वो वैल्यू भी गलत हो जाएगी। तो प्लीज 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 ये सेशन कम से कम 2 बार अच्छे से लिख लीजिएगा तो आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल अच्छे से याद हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन इज देयर इन दिस पार्ट। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल। टेक्स्ट बुक के अंदर जो दिया हुआ है सॉल्व एग्जाम्पल 2.5 वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सॉल्व एग्जांपल 2.5, फर्स्ट वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन। सो आवर सिस्टम इज मेड अप बाय दिस 2 कंपोनेंट, दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन। एट 298 केल्विन आर 200 Hg ऑफ mm एंड 450 Hg ऑफ mm, मीन्स पार्शियल प्रेशर दे दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दे दिया हुआ है आपको यहाँ पे, दैट इज P0 ऑफ CHCl3 इज 200 वाइल इन केस ऑफ P0 ऑफ CH2Cl2 इज 415 Hg ऑफ mm। अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, आपको टोटल वेपर प्रेशर ढूंढना है एंड ऑन बाय मिक्सिंग। मिक्सिंग कितना लिया है, 25 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोर, मीन्स दिस इज गिवन मास। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन ढूंढना है। तो स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़ लीजिए, होप आप लोगों ने स्टेटमेंट 2 बार अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लीजिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सो क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन का मोलर मास है 85, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास है 119.5। गिवन मास क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, 40 ग्राम गिवन मास दिया हुआ, 25.5 ग्राम गिवन मास है। दूसरा गिवन क्या दिया है, P0 ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज 145 mm वाइल इन केस ऑफ P0 ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 200 mm। फर्स्ट स्टेप यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ मोल ढूंढिए। नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास क्या है 40 डिवाइड बाय 85, यू गेट फर्स्ट 0.47 मोल। सेकेंड एन ऑफ सी एच सी एल इज 25.5 डिवाइड बाय 119.5, यू गेट 0.213। अब दोनों का सम कर लीजिए, यू गेट टोटल मोल, दैट इज टोटल मोल इज 0.47 प्लस 0.213, दिस इज योर टोटल मोल। अब मोल फ्रैक्शन ढूंढना है, मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट गिवन मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, यू गेट मोल फ्रैक्शन, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एच सी एल थ्री, 1 माइनस कर लीजिए, 1 माइनस दिस यू गेट 0.312। तो यहां पे आपका फर्स्ट पार्ट एंड हो रहा है, मोल एंड मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, अब देखिए राउल्ट्स लॉ अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो ये स्टेटमेंट आपको याद करने की या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। P total is nothing but P10 plus P20 minus P10 into X2. So P10 क्या है? That is 200 plus P20 415 minus 200 into 0.688. So here in case simplify कीजिए, you get your answer. That is total pressure of the system. But आपको total pressure एक और चीज ढूंढनी थी. That is find out the mole fraction into this vapor state. Mole fraction in vapor state भी आपको ढूंढना है. तो अब next Yi is equal to Pi upon P total, means ये आपको vapor phase में बताएगा mole fraction। तो PCHCl2 is nothing but उसका mole कितना था, 0.688 into 415, this is mole fraction of multiply by 415, 415 given data में दिया हुआ है, simplify कीजिए you get pressure। P of CHCl3 0.312, ये है रहा आपका मोल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई बाय 200 जो आपको गिवन डेटा में दिया है, तो ये यू गेट दिस। अब दोनों का सम कर लीजिए, ये हो गया टोटल प्रेशर। नाउ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, गिवन प्रेशर डिवाइड बाय टोटल यू गेट 0.82, गिवन प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल यू गेट अनदर 2। अब देखिए यहां पे कितने सारे कैलकुलेशन है, अगर एक कैलकुलेशन के बाद मान लीजिए आपका ये मोल फ्रैक्शन कहीं से गलत आ गया
तो आपने 1 माइनस किया, वो भी गलत हो गया। अब वही मोल फ्रैक्शन को आपको यहां से मल्टीप्लाई करना है, देखिए तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट, अगर ये मोल फ्रैक्शन गलत है तो आप उसको 415 से गलत करोगे तो ये भी गलत आने वाला है। ये गलत हुआ तो बाय डिफॉल्ट ये भी गलत ही होगा, क्योंकि 1 माइनस किया है तो ये वैल्यू भी गलत हो गई आपकी। एंड ये दोनों गलत हुए मीन्स ऑलमोस्ट आपका पूरा न्यूमेरिकल चला गया 3 में से 0 मार्क सीधा। इसीलिए ज्यादातर स्कूल एग्जामिनेशन एंड बोर्ड वाले एम्फेसाइज करते हैं ऐसे न्यूमेरिकल जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा फंस जाओ, या फिर ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन आए, आधा एक मार्क सीधा कट जाए एंड जैसे ही नीचे उतरते जाओ आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाए। तो अच्छे से न्यूमेरिकल दो दो नहीं तीन तीन बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके एग्जैक्ट आंसर आएंगे। एंड वन मोर थिंग, यू डोंट हैव टू यूज कैलकुलेटर, विदाउट कैलकुलेटर ही न्यूमेरिकल का आंसर लाना है, कैलकुलेटर जरा सा भी यूज नहीं करना है। नाउ ऐसे ही 3 न्यूमेरिकल एंड एक्सरसाइज में भी अवेलेबल है। एंड एक्सरसाइज का 2.16, 36 एंड 38। 16 क्या बता रहा है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स कंपोनेंट आर 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर व्हेन गिवन मास दिया है 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। वंस अगेन स्टेटमेंट दो बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। स्टार्ट द न्यूमेरिकल। सो हेप्टेन, हेप्टेन का मोलिकुलर मास है 100 ग्राम पर मोल एंड ऑक्टेन इज 114। आपको गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास इज 26 ग्राम एंड गिवन सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन इज गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यू गेट नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन इज गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यू गेट मोल। दोनों का सम कर लीजिए, यहां पर आपको मिल गया टोटल मोल। सेकेंड स्टेप आपका क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन ढूंढने का। तो मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट गिवन मोल डिवाइड बाय टोटल मोल करोगे, यू गेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, ये आपको मिल जाएगा एक्स ऑफ एच मीन्स ऑक्टेन गिवन मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, यू गेट आंसर बी। नाउ यू आर गिवन ए वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर आपको दे दिए है, तो वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू दिस, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन जो है ए मल्टीप्लाई बाय पी जीरो, पी जीरो इज गिवन दैट इज 105.2। While in case of vapor pressure of octane is nothing but mole fraction of octane multiplied by 46.8. So you get your answer C and D. So अगर ये दोनों भी गलत आए तो वही आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए खुद से प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेट कीजिए और आंसर लेके आइए। एंड लास्ट आपको ढूंढना है वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर, जो C एंड D आया दोनों का सम कर लीजिए, यू कैन गेट द आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.36, 100 ग्राम ऑफ ए ब्रैकेट मोलर मास इज 140 वाज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ बी मोलर मास इज 180। ऑलमोस्ट 4 गिवन डेटा यहीं पे मिल गए, गिवन मास मोलर मास, गिवन मास मोलर मास। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी 500 टॉर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड इट्स प्रेशर इन अ सॉल्यूशन इफ द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 475 टॉर। सो लेट स्टार्ट विद N2 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 140 इज नथिंग बट 5/7 एंड N1 जो सॉल्वेंट है दैट इज 1000 डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू 50/9। आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने नहीं किया है, आप इसका एग्जैक्ट आंसर निकल के लेके आ सकते हो। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज नथिंग बट N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। सो 5/7 डिवाइड बाय 5/7 प्लस 50/9। अगर मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 0.114। आप यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर लेके ये आंसर लेके आएगा, दिस इज क्रॉस रेफरेंस कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्रॉस चेक एक बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज नथिंग बट X1 इज इक्वल 1 - X2, 1 - 0.114, यू गेट आंसर 0.886। तो यहां पे दोनों के मोल फ्रैक्शन रेडी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट कहां पे जाएंगे, प्रेशर पे। तो PA इज इक्वल टू XA इनटू P0A, 0.114 मल्टीप्लाई बाय P0A, P0A आपको पता नहीं है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो ये इक्वेशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3। बट B का आपको पता है, PB इज इक्वल टू XB इनटू P0B,
that is 0.886 multiplied by 500 torr. So this will leads to give you 443 torr. अब हम क्या करेंगे? P total भी आपको पता है, P total is nothing but PA plus PB. PB आपने ढूंढ लिया है, P total आपको पता है, PA का ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, आपको P0A मिल जाएगा. So P0A is nothing but 475 minus 443, ये सामने चला जाएगा, and this goes to the denominator, you can get P0A is equal to 280.7 torr. So जो आपका 280.7 वैल्यू आया वो इक्वेशन में ऊपर रख दीजिए, PA is equal to 0.114 multiply by 280.7, you get 32 torr. पूरा न्यूमेरिकल फिर बार, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट किए, देन वी मूव ऑन टू दिस मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन से फर्स्ट वैल्यू मिली, मोल फ्रैक्शन इज सॉल्वेंट इज नथिंग बट 1 माइनस ये कर लिया तो 0.886 आ गया आपका. इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज PA इज इक्वल टू XA इनटू P0A, 0.114 मल्टीप्लाई बाय P0A, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. तो कीप इट एज इट इज. PB इज इक्वल टू XB इनटू P0B, ये हमने ढूंढा, मल्टीप्लाई बाय 500 दिया हुआ तो ये बन गया आपका PB. सो P टोटल इज नथिंग बट PA प्लस PB. पी टोटल पता है आपको, पीबी अभी हमने ढूंढा तो यहां से आपका P0A मिल जाएगा. वंस यू गेट P0A, यही वैल्यू P0A में उठा के रख दीजिए, 0.114 मल्टीप्लाई बाय 280, यू कैन गेट द आंसर दैट इज 32 टॉर. ऐसा ही एक और एंड लास्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन राउल्स लॉ 2.38. बेंजीन एंड टोल्यून फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन. The vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin is 50.71 mmHg and 32.06 mmHg respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 gram is mixed with 100 gram. So, यहाँ पे last line में given mass दे दिए हैं. आप molar mass benzene and toluene के easily ढूंढ सकते हो. उसके बाद आपको P0 benzene and P0 toluene भी दे दिए हुए हैं. आपको मोल फ्रैक्शन ढूंढना है एज वेल एज प्रेशर ढूंढना है. सो मोलर मास ऑफ बेंजीन इज 78, मोलर मास ऑफ टोल्यून इज 92. गिवन मास लास्ट लाइन स्टेटमेंट में दिए है दैट इज 80 ग्राम. गिवन मास दिया है 100 ग्राम. P0B दिया हुआ है 50.71 ऑफ HgMm एंड प्रेशर ऑफ टोल्यून दिया हुआ है 32.06 mm. तो दिस इज ऑल अबाउट योर गिवन डेटा. सबसे पहले नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज नथिंग बट 80 डिवाइड बाय 78, सो यू गेट 1.026. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यून इज नथिंग बट 100 डिवाइड बाय 92, यू गेट 1.087. सो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, ये बन गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यून. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज नथिंग बट गिवन मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, यू गेट आंसर दिस. दिस इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. Likewise, mole fraction of toluene is nothing but given mole divided by total mole. This is your mole fraction of toluene. So, यहाँ पे आपका एक पार्ट खत्म हो गया, मोल फ्रैक्शन रेडी रखा है. अब वी मूव ऑन टू दिस प्रेशर टर्म. सो PB इज इक्वल टू XB इन टू P0B. XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, वो है 0.486 मल्टीप्लाई बाय P0B. क्या है? गिवन डेटा में दिया हुआ है 50.71, मल्टीप्लाई कीजिए, यू कैन गेट 24.66 Hg ऑफ mm. P of T is nothing but XT into P0T. XT क्या है? Mole fraction 0.514 multiply by given data में दिया हुआ 32.06. Simplify कीजिए, you get 16.48. Now mole fraction in vapor phase, तो इन दोनों का sum कर लीजिए. So mole fraction of benzene in vapor phase, तो benzene का pressure divided by total pressure, you can get the answer 0.60. So this is all about your numerical 2.38. फिर से एक बार फटाफट क्विक रिकैप ले लेते हैं. गिवन डेटा के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल ढूंढे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये मिल गए नंबर ऑफ मोल्स, मोल एंड मोल किसके? बेंजीन एंड टोल्यूइन के. नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज गिवन मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, यू कैन गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दैट इज XB. Mole fraction of toluene is given mole divided by total mole, you get mole fraction of toluene. Next is PB is equal to XB into P0B. Simplify this, you can get answer
and pt is equal to xt into p0t, you can get the answer. Finally, mole fraction of benzene in vapor phase is equal to given divided by total, you can get 0.60. So this is all about your all the numerical based on Raoult's law. नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे लोअरिंग द वेपर